Understand you soon, it won't be long. Keep on being body. तो यार फिर से स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल पर। और आज हम जो है इस वीडियो में बात करेंगे कि यार हम CWL में ऑलमोस्ट डीमोट होने के कगार पर आ गए थे। आखिरी राउंड ऑफ CWL चल रहा है और उसमें जो है यार सबने काफ़ी अच्छा परफॉर्म करा है अभी तक, और चांसेस है कि हम डीमोट नहीं होंगे। तो यार देखते हैं सबने कैसे अटैक्स करे हैं, और वीडियो को यार एंड तक ज़रूर देखना क्योंकि यार अटैक्स काफ़ी बढ़िया करे हैं बंदों ने। तो मैं सबके रिप्लेस आपको शो करूंगा। और यार चैनल पर नए हो आप अगर, तो प्लीज यार सब्सक्राइब कर दो और घंटे को भी बजा दो प्लीज। सिर्फ वीडियो को देखकर मत जाओ यार, क्योंकि अगर आप वीडियो देखते हो तो जरूर आपको वीडियो पसंद भी आती होगी। तो यार सब्सक्राइब करके आप मुझे सपोर्ट कर रहे हो एक तरीके से, मेरी मोटिवेशन को और हाई कर रहे हो आगे और वीडियो ऐसी बनाने के लिए। तो यार अब जो है अपन वीडियो आगे शुरू करते हैं। तो यार यहाँ पे जो है आप देख रहे हो कि लास्ट राउंड है और उन्होंने जो है 9 अटैक कर रखे हैं विद 20 स्टार्स और हमने जो है 12 अटैक किए हुए हैं विद 29 स्टार्स। तो यार अटैक डिफरेंस अगर देखे तो 3 अटैक का डिफरेंस है, और अगर वो बाकी के जो 3 अटैक है उसमें 3 स्टार कर भी देते हैं तो हमारे तक वो पहुंच जाएंगे 29 स्टार्स करके। तो वो थोड़ा हो सकता है गड़बड़, बट यार यहाँ पे मैं खुश इसलिए हूँ क्योंकि यार बंदों ने अटैक काफी अच्छे करे, एटलीस्ट रिमोट होने से बच सकते हैं। तो यार सबसे पहले मैं सबसे नीचे से शुरू करूंगा। तो यार टिस्सू का अटैक देखो यहाँ पे, एक्चुअली इस बंदे का नाम एक्चुअली तुषार है, तो इसका शॉर्ट नेम इसने टिस्सू रखा हुआ है। तो यहाँ पे यार इसने क्वीन वॉक विद माइनस करा हुआ है, ये बता दूं कि सबने क्वीन वॉक विद माइनस ही करा हुआ है। तो यहाँ पे इसने यार बेबी ड्रैग्स यूज किए हैं सिर्फ फनलिंग के लिए, देख रहे हो कितनी प्रॉपर फनलिंग की हुई है, और यहाँ क्वीन छोड़ी इसने। और बेबी ड्रैगन इसके खत्म हो गए हैं, सीज बैरक लेके गया बंदा और इसके सीसी से बेबी ड्रैगन आया। और यहाँ पे ये रेज, अब यार रेज का फायदा उठाना चाहिए जो कि इसने बखूबी उठाया। उसी टाइम पे जो है इसने वॉल ब्रेकर्स छोड़ दिए, तो आप देख पा रहे होंगे किस तरीके से, मतलब कितना ईजी हो जाता है। थोड़ी गड़बड़ यहाँ पे हो गई थी, यहाँ पे उसको पॉइजन डाल देना चाहिए था, बट वो यार एक्चुअली यहाँ ध्यान चला गया होगा उसको सीज बैरक डालने में। तो कोई नहीं यार, ठीक था क्वीन एटलीस्ट मरी नहीं, क्वीन मर गई होती तो यार गेम ही बच गया होता सारा। तो यहाँ पे क्वीन अब जाके मरी है और हीलर जो है तुरंत ही स्विच हो गया माइनस की तरफ, और वहां किंग अकेला जा रहा है। यहाँ पे पैका विद विजार्ड जा रहे हैं, तो यार ये प्रॉपर चल रहा है बिल्कुल, दोनों साइड से क्लियर होते जा रहे हैं और बीच से जो है माइनर क्लियर कर रहा है। और यहाँ से हॉक्स भी आ चुके हैं बिल्कुल, और फायदे की बात यहाँ ये थी कि यार सिंगल इन्फर्नो था और ज्यादा अपग्रेडेड नहीं था तो थोड़ा बचे, मल्टी इन्फर्नो होता तो चांसेस थोड़े मुश्किल हो जाते हैं क्योंकि क्वीन जो है पहली मर गई है, क्वीन अगर बची होती तो कोई सा भी इन्फर्नो होता। तो यहाँ पे इसके हील्स वगैरह भी खत्म हो चुके हैं, बस अब दुआ काम आ सकती है, एक फ्रीज था मैंने वो यूज कर लिया है। तो यार अपन अब 2x करते हैं इसको 4x, क्योंकि यार ये अटैक 100 था और सारी चीजें क्वीन चार्ज में जो है स्टार्टिंग में हिट साइड हो जाती हैं। अगर आपकी क्वीन आपकी डिजायर्ड लोकेशन पे जाती है तो आप समझ जाओ यार आपका 100% तो हो के ही रहेगा, बहुत थोड़ी बहुत चांसेस इधर उधर हो जाती हैं, एक आध 19-20 हो जाता है कि आपका 100 ना हो। तो यार अगले अटैक पे हम चलते हैं, अगला अटैक चुप गया था ये पीके लगी, और मैं बता दिया ये हमारे क्लैन का बहुत ही पुराना मेंबर है और काफी ट्रस्टेबल बंदा है जॉब तक टिका हुआ हमारे क्लैन में। तो यार थैंक्स टू हिम आल्सो, काफी कुछ करा भी है इस बंदे ने क्लैन के लिए। तो इसने यार यहाँ से क्वीन वॉक करी है, इसने सीज बैरक नहीं लिया है, इसका जो मोटिव था कि वो वॉल ब्रेकर्स ना ले तो सीधा वॉल ब्रेकर से जो है सारे वॉल शूट के क्वीन को अंदर पहुंचा दे। तो यार देख रहे हो यार इसकी भी जो है प्रॉपर एकदम बढ़िया गई है, इसने सिर्फ जो है ईडी यहाँ से यूज करा, क्वीन ऑटोमेटिकली अंदर जा रही है वॉल ब्रेकर के पीछे पीछे, तो इसको कोई इशू हुआ ही नहीं। और इसने जो है बॉलर्स लिए हुए थे, तो यहाँ जो इसने अपना जो मेन पंगा करता है वो क्या करता है यार, ईगल ही करता है, ईगल को खत्म कर दिया, ठीक है एक रेट उसमें यूज हो, और ईडी अभी भी बचा हुआ है यहाँ पे, तो ईडी यार यहाँ पे थोड़ा बहुत देख लेगा, मैनेज कर लेगा।
बाकी यहाँ पे उसने फिर से फनल टाइप्स बनाया है ताकि माइनर्स जो है यहाँ से जो है उसके सीधे एंटर कर सके। तो किंग यहाँ जा रहा है, क्वीन यहाँ जा रही है और सेंटर से यहाँ माइनर्स आ रहे हैं। तो यार ये भी काफी सही जो है फनल था। कॉर्नर से एक्चुअली बहुत मुश्किल होता है करना, क्योंकि कॉर्नर में क्या दिक्कत होती है ना यार, यहाँ से किंग भी, यहाँ से क्वीन गया तो माइनस यहाँ और यहाँ जा सकते थे, बट क्वीन ने जो है ऑलरेडी क्लियर कर दिया। किंग हालांकि अंदर वालों को नहीं मार सकता था, वॉल तोड़ के जाना मुश्किल था, इसलिए माइनस जो है वहां से होते भी आ रहे हैं। तो ये भी काफी बढ़िया अटैक था। टू एक्स पे देखते हैं, यहाँ पे मल्टी इन्फर्नो है, बट यार बंदे के पास स्पेल्स काफी थे और बहुत ही प्यार से एकदम उड़ा के आया है, एकदम प्यार से। मतलब मैं भी जब अटैक देख रहा था, रिप्ले देख रहा था, लाइव तो नहीं देख पाया मैं, तो यार मतलब मैं भी सोच रहा था बंदा कितना कूली और काम भी कर रहा था इस अटैक को, बड़े प्यार से किया। इसने इसके स्पेल्स भी बचा था, एक तो ये रेज स्पेल बच गया था एक इस लास्ट में, तो यार काफी बढ़िया था इसका अटैक ये। तो यहाँ पे इसका एक खत्म होता है अटैक। अपन अब नेक्स्ट अटैक जो देखेंगे मिस्टर एक्स का देखेंगे, और ये भाई जो अपने क्लैन में नया है और इस बंदे ने भी यार क्वीन चार्ज करा हुआ है और ये भी वॉल रेकर लेके गया। तो इसने यार पहले फनलिंग करी है प्रॉपर पीडी लेके और यहाँ से बेबी लेके, पर इसने पहले यहाँ पे लून इसलिए छोड़ा है ताकि जो ये हीलर्स हैं क्वीन के पीछे इसको कोई डैमेज ना पहुंचे। अगर यहाँ पे कोई ए ट्रैप होता तो वो लून ले लेता, समझ रहे हो, इसकी जो हीलर्स हैं वो बच जाए, ये पर्पज होता है लून का आगे छोड़ने का। वॉल रेकर यार अंदर तक जा रहा है और पर्पज वही होता है यार, क्वीन चार्ज से पहले ईगल और सीसी उड़ा दो, तो यार ईगल तक तो पहुंच ही गया ऑलमोस्ट, वॉल रेकर ईगल भी उड़ाने लग रहा है देखो। तो ये यार ईगल 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 ऑलमोस्ट खत्म ही है, लो रेज भी एकदम सही टाइम पर सही जगह पे करा, तो यार कोई इश्यू ही नहीं था। सीसी भी इसका बाहर आ गया तो इसको भी देख लेंगे। यहाँ से जो है यार इसने अब किंग को एंट्री दी है, किंग यहाँ नहीं जाएगा, यहीं जाएगा ऑब्वियसली बात है क्योंकि वहां कुछ है नहीं, और क्वीन जो है ऑलरेडी हमारी यहाँ पे है और माइनस उसने यहाँ से छोड़ दिए हैं, किंग यहाँ से देख रहा है काम, तो बढ़िया ही जा रहा है। ये भी जो है यार काफी बढ़िया अटैक था, वैसे ये मल्टी इंफर्नो होती है, यहाँ फ्रीज करने की जरूरत नहीं थी बंदे को, कोई डैमेज खास देता नहीं उसने, वो रेज यूज कर सकता था, अगर रेज यूज करता तो यहाँ पे सारा जो डिफेंस है ये पूरा जो है ये आराम से खत्म कर देती तुरंत ही, यहाँ तक भी। यहाँ पे मल्टी इन्फर्नो है तो ठीक है, ये स्पेल अभी भी एक बाकी है और एक रेज स्पेल भी बाकी है भाई के पास, तो अपन अब 2x में देखते हैं क्योंकि ऑलमोस्ट ये बेस जो है खत्म ही है, क्योंकि स्टार्टिंग इसका काफी सही हुआ है, स्टार्टिंग ही अगर सही होती है तो यार पूरा क्विक चार्ज बढ़िया हो जाता है। अगर आपकी क्वीन ही सीसी या ईगल को नहीं मारती तो आप फिर कुछ नहीं कर सकते, ये बिल्कुल ऐसा है कि मतलब बहुत ही अगर आप प्रो हो उस सिचुएशन में हैंडल कर सकते हो चीजें तो कुछ हो सकता है, अदरवाइज बहुत मुश्किल है। तो ये अटैक भी खत्म हो गया और यार मेरा अटैक है अगला, और मैंने भी जो है यहाँ पे क्वीन चार्ज ही करा हुआ है और विद माइनस करा हुआ है, और मेरा जो था यार मैंने सीज बैरक लिया है, यहाँ पे वॉल रेकर लेने का फायदा नहीं था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं यार दो बेबी ड्रैगन ले गया था, और बेबी ड्रैगन एक मेरा था कि पर्पस यहाँ छोड़ दूँ, दूसरा यहाँ छोड़ दूँ और क्वीन यहाँ से जाए, क्योंकि यहाँ स्पेस थी मेरे पास, और एक्चुअली मुझे क्वीन को अंदर तो ले जाना नहीं था, सी सी यहाँ है तो यहाँ कहीं तक क्वीन को पहुँचा दूँ बस, है ना। तो मैंने यही करा कि यार क्वीन को बस थोड़ा आगे तक जाने दिया और यहाँ से वॉल ब्रेकर छोड़ दिया, और पहले विजार्ड टावर को मारना जरूरी था, अदरवाइज वो एरिया डैमेज देता है, स्लैश देता है, तो पहले ही मेरे जो है वॉल ब्रेकर्स खत्म हो जाते। तो यहाँ पे यार ये रेंज तो ठीक है, इसके बाद जो आगे यहाँ पे चीज होगी वो काफी बढ़िया होगी, कि यार टाइमिंग काफी बढ़िया थी मेरी यहाँ पे जो मैंने तुरंत ही पॉइजन छोड़ा और उसके बाद तुरंत ही रेज छोड़ा, ये टाइमिंग काफी बढ़िया थी। उसके बाद यार मेरे को जो है फनल करना था तो मैंने पहले एक माइनर छोड़ा ताकि डायरेक्टली सीज बैरक पे जो है आर्चर टावर ना मारने लगे, समझ रहे हो, और फिर किंग भी मैंने यहीं से छोड़ दिया, सारे माइनस की एंट्री मैंने यहाँ से करा, सिंपल। अब यार मेरा पता है मुझे कि यार सब बढ़िया हो गया है, स्टार्टिंग में सब जैसा सोचा था वैसा ही हुआ था, तो ऑब्वियसली 100 हो ही जाएगा, काफी टाइम से मेरे अटैक 100 नहीं हो रहे थे, तो उस बात का जो है यार लो कॉन्फिडेंस हो जाता है काफी आपका ना। तो इस टाइम पे मैंने यार एबिलिटी यूज कर ली वार्डन की,
कि मैं चाह रहा था कि मैं अपने जो है हील्स पे लास्ट में यूज करूँ, क्योंकि लास्ट में मतलब यहाँ पे जब देख रहे हो कि यार मल्टी इंफर्नो भी है और यहाँ पे थोड़े यार वो है बॉम्ब टावर और बॉम्ब छोटा हो सकते हैं, इसीलिए मैंने उनको बचा के रखा हील स्पेल्स को, और वो काम भी है एकदम सही टाइम। तो यार इसको भी 2x कर लेते हैं। तो यार ये कुछ बढ़िया अटैक्स थे जो मुझे लगे कि जो हमें डीमोट होने से बचा सकते हैं, और मैं आपसे शेयर करूंगी ये सारी अटैक्स ताकि आपको भी कुछ सीखने को मिल जाए। तो यार इन अटैक्स को अगर आप यूज करना चाहते हैं तो जाइए यार करिए और मजे लीजिए। तब तक हम अगले वीडियो में मिलते हैं यार, ध्यान रखिए अपना, गुड बाय।